हिम्मतनगर शहर ने यशदीप गायनेक हॉस्पिटल ना बे तबीबी घर परीक्षण करता राजस्थान ने पीसीएन पीएनडीटी टीम द्वारा रेड करी कार्यवाही हाथ धरवामां आवी। जो के राजस्थान ने टीम द्वारा बी डिविजन पुलिस मथके डॉक्टरों ने पूछपरछ दरमियान तबीबी लथरता खानगी हॉस्पिटल में खसेड़वामां आव्या हता। साबरकांठा जिल्लाना मुख्य मथक हिम्मतनगर खाते अनेक गायनेक हॉस्पिटल कार्यरत छे, परंतु केटलाक गायनेक डॉक्टर द्वारा गर्भ परीक्षण करवामां आवतुं होय छे, त्यारे राजस्थान राज्यनी पीसीएन पीएनडीटी टीमने जाण थता तपासमां हता। दरमियान दलाल मार्फते आवेल महिला गर्भ परीक्षण करावती हती, ए दरमियान टीमना अधिकारीओ हॉस्पिटल पहोंची रंगे हाथे झड़पी लेवामां आव्या हता। जो कि 40,000 रुपयामां गर्भ परीक्षण करवानुं नक्की करवामां आव्युं हतुं, जेमांथी 10,000 रुपया राजस्थान पीसीएन पीएनडीटीनी टीमना अधिकारी द्वारा रिकवर करवामां आव्या हता अने हॉस्पिटलना बे तबीबने तपास अर्थे हिम्मतनगर बी डिविजन पोलीस मथके लाववामां आव्या हता, परंतु पूछपरछ दरमियान डॉक्टर महेन्द्र सोनीने छातीमां दुखावानी फरियाद करता એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તેઓને ખાનગી હોસ્પિટલ સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ રાજસ્થાન પીસીએન પીએનડીટી ટીમના અધિકારી પૈકીના એક અધિકારી એમ્બ્યુલન્સ સાથે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા। જો કે સારવાર બાદ રાજસ્થાન પીસીએન પીએનડીટી ટીમ દ્વારા બંને ડોક્ટરોની ધરપકડ કરવામાં આવશે। જિલ્લા રાવલ જેએસટીવી સાબરકાંઠા। आज देखो पुलिस पीसीपीएनडीटी सेल जयपुर से कार्रवाई की गई है पीसीपीएनडीटी एक्ट में। यहाँ पर हमने उदयपुर के आसपास हमारे जरिए सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि यहाँ पर एक दलाल द्वारा सक्रिय ग्रोह बनाकर और कन्या भ्रूण को जन्म लेने से रोका जा रहा है। इस संबंध में हमारे एमडी साहब श्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, एमपीडी मैडम शीलावती मीणा, एम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी श्री सतवीर सिंह द्वारा एक टीम गठित किए जाकर हमारी टीम को उदयपुर भेजा गया। वहाँ से हमारे को दलाल शांता देवी सो हमारा मिला, हमारी मुखबिर को मिलाया गया। उसने वहाँ 40,000 रुपये लिए और वो हमारे को टीम बोली हम आपको उदयपुर के आसपास क्षेत्र में आपके जो भी गर्भवती महिला है उसके भ्रूण की जांच करवा देंगे और आपको रिपोर्ट सौंप देंगे। उस सूचना पर टीम सक्रिय होकर और हमारी गर्भवती महिला लाई गई, उपलब्ध कराई गई कोऑर्डिनेटर द्वारा और मुखबिर उसको 40,000 रुपये दिए गए उदयपुर में। उस महिला ने दलाल ने उससे 40,000 रुपये लिए और अपने भ्रूण लिंग की जांच कराने के लिए उदयपुर उसके आसपास घुमाती रही। फिर बोली मैं उदयपुर या आसपास आपको उसकी भ्रूण लिंग की जांच करवा दूँगी। इसके बाद वो महिला उसकी भ्रूण लिंग की जांच करवाने के लिए उसको हिम्मतनगर गुजरात लेके आई। हमारी टीम ने उसका पीछा किया पीछे पीछे और हिम्मतनगर पहुँची। उसके बाद जय सिंह है यशदीप हॉस्पिटल पहुँचे। यशदीप हॉस्पिटल में हमारे वहाँ पर गर्भवती को लेके गई महिला और वहाँ पे जाने के बाद उसने होल्डिंग की जांच करवाई और गर्भवती महिला ने हमारी टीम को इशारा किया। इशारा पाकर टीम ने लोकेशन पहुँची और उसका दबिश दी तो डॉक्टर को और दलाल को मौके पर गिरफ्तार मिले हमारे को होल्डिंग की जाँच करते हुए, जिनको हमारे द्वारा थाने पर लाया गया और महिला दलाल से पैसे प्राप्त हुए हैं उनको हम अनुसंधान किया जाएगा अभी। और डॉक्टर हैं दो डॉक्टर को लाया गया डॉक्टर महेंद्र जी सामने आगे क्या कार्यवाही की जाएगी। अब हम अनुसंधान में तीनों को हमने उनका नाम जद उनको नॉमिनेट किया है जिनसे अनुसंधान किया जाएगा। अभी उनके दोनों डॉक्टरों ने अपनी स्थिति खराब बताई है, मेरा स्वास्थ्य खराब है, इस पर हमने मेडिकल टीम के साथ उनका मेडिकल करवाया है और उनको अभी हॉस्पिटलाइज करवा दिया है जिनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ट्रीटमेंट होने के बाद हम उनको गिरफ्तार करेंगे और अग्रिम अनुसंधान और कुछ जी स्थिति कैसी है अभी। स्थिति अब डॉक्टर ने भी कहा है 2-3 दिन भर्ती कराने के लिए तो हमारी टीम वहाँ गार्ड लगा दी गई है, थाने से उपलब्ध कराया दो जवान हमने छोड़ दिए। जिस तरह से डॉक्टरों की स्थिति बताई जा रही है और मामला भी बताया जाए पूरे गुजरात में सबसे जो कम रेशिया है इस ज़िले का है, क्या कहेंगे स्थानीय प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे। देखो प्रशासन को सहयोग करना चाहिए इसमें, कन्या भ्रूण बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, राजस्थान से लाए जाते हैं यहाँ कराए जा रहे हैं, हमारे राजस्थान में सख्त कार्रवाई हो रही है, लोकल टीम को कार्रवाई करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए तो ये कन्या भ्रूण को रोका जा सकता है।
अच्छा मैसेज आएगा जनता। यहाँ पे जो कार्यवाही के बारे में क्या कहेंगे, गुजरात सरकार की कामगिरी क्या वाकई ही सोचने लायक है? देखो हम यहाँ की उसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है वो अपने स्तर पे कर रही हो, लेकिन हमारे को तो इस यहाँ के प्रशासन के बारे में कुछ नहीं है नॉलेज, स्पष्ट नहीं कर सकते इसमें। आज जिस तरह से जिस हालात में आपने दो पीड़ितों को गिरफ्तार किया है जी, स्थानीय प्रशासन कितना मदद रुक होगा? मदद ठीक है हमारी, हमने थाने से मदद ली है, थाने ने हमारे को SP साहब से बात करने के बाद हमारा बढ़िया सपोर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। जलाल को हमने गिरफ्तार करेंगे, अभी उसका मेडिकल करा के लाएंगे, उसकी स्थिति खराब रहा है, मेडिकल करवाया, अब हम उनको उससे अनुसंधान करेंगे, ले जाएंगे। डॉक्टर के सामने किस कलमों के तहत फरियाद दाखिल होगी, क्या होगा फरियाद, किस कलम के आधार पे होगी? FIR हमारे PCPNDT एक्ट हैं, जिनमें हमने सोनोग्राफी मशीन जब्त करी है और हमारे नंबरी नोट दिए गए थे उनको हमने जब्त किए हैं, जो हमने गर्भवती को देख करवाने किया गया था, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे और PCPNDT एक्ट की धाराओं के तहत इनके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। कितने पैसे आपने रिकवर किए, 40,000 दिए तो कितने रिकवर? अभी हमने रिकवर 10,000 कर लिए हैं और कुछ और आने के बाकी हैं, और हम आते ही जैसा अनुसंधान होगा सामने आएंगे, अभियुक्त को लेके आएंगे, अभी उन्होंने अपनी स्थिति खराब बताई है, उनसे जैसी स्थिति होगी। FIR के आधार पर जो सजा होगी डॉक्टर को कितनी होगी? देखो 3 से 7 वर्ष का प्रावधान है इसमें, एक्ट है ये, सेंट्रल एक्ट है जिसके तहत कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रवान हेड कॉन्स्टेबल है और मेरे नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, प्राधिकारी अधिकारी मेरे को नियुक्त करके भेजा गया था, श्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हमारे MD डायरेक्टर हैं जिनके द्वारा, और शिलावती मैडम PD मैडम और सतवीर सिंह एडिशनल SP। प्रांतीय शहर में भव्याति भव्य खुशी ब्यूटी सलून अद्यतन नवी टेक्नोलॉजी सुविधाओं साथ सज्ज अने नवा रंग रूप में आपना सौंदर्य ने निखारवानु एकमात्र स्थल एटले खुशी ब्यूटी सलून। खुशी ब्यूटी सलून खाते वैक्स, फेशियल, ब्लीच, आईब्रो, मेहंदी, मेनिक्योर एंड पेडिक्योर, मेकअप, हेयर स्टाइल, हेयर ट्रीटमेंट जीवी अनेक उपलब्ध सुविधाओं मिली रहेशे। लग्न प्रसंगे दुल्हन ने तैयार करवानो ऑर्डर पण लेवामां आवशे। खुशी ब्यूटी सलून खाते लॉरियल हेयर स्पा, मैट्रिक्स हेयर स्पा, केसरी हेयर स्पा, रेग्युलर हेयर स्पा जीवी अनेक सुविधाओं पण उपलब्ध। लेडीज इनरवेर आइटम पण उपलब्ध। प्रांतीय शहर मां आपनी तद्दन नजीक एक वक्त की मुलाकात कायमी संभाणु बनी रहेशे। स्थल खुशी ब्यूटी सलून 6-7 बीजू मार सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स सीट पी अंदर आर हाई स्कूल नी सामे बाखरिया बस स्टेन्ड प्रांतिज तालुको प्रांतिज जिल्लो साबरकांठा। कॉन्टेक्ट नंबर 6351229403 9033878573।